आप लोगों ने बेटा घर पे बहुत सारे अप्लायंसेस देखे होंगे जिनमें खासकर इन्वर्टर या वो एक्सटेंशन जो होते हैं, आपने देखा होगा एक छोटा सा ऐसा डिवाइस लगा होता है, क्या मैं कि इस पर तार देखा, इस बेटा को फ्यूज वायर क्या फ्यूज आसान क्या शु इज इट इंस्टॉल्ड इन योर अप्लायंसेस इन इट चेक मिक्सर्स देखे मामा की किचन में होते हैं वो कुछ लोड त्रा ज्यादा मिक्सर पानी गाँव पास ट्रिप वन पे ट्रिप ऑन ऑफ करना वो दैट इज नथिंग बट अगेन द फ्यूज बात समझ रहे आपके घर पे आजकल ट्रिप्स होते हैं MCBs मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स अब आते हैं MCCBs फोर वे फाइव वे जो भी मतलब है क्या वो देयर फ्यूज वायर्स क्योंकि आसान ही फ्यूज वायर व्हाई डू यू नीड टू इंस्टॉल दैट अंडरस्टैंड दिस पहली बात बेटा याद रखना पूरे घर में अगर कोई वीकेस्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है तो इट इज द फ्यूज वायर इट इज द वीकेस्ट पार्ट इट इज द वीकेस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट पहली चीज दूसरी चीज बेटा इट इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड जिसमें अलॉय जो है बेटा टिन 63% है और लेड जो है बेटा इट इज 37% आपका याद तीसरी चीज बेटा जो फ्यूज वायर होती है यू ऑलवेज कनेक्टेड विद योर होम इन सीरीज किसमें इसका काम क्या है सीरीज में कनेक्ट करने से इट सेव्स योर अप्लायंसेस इट सेव्स अप्लायंसेस बेटा फ्रॉम हैवी करंट्स किन से मसलन बताते समझ परशुआ याद ओतरे से पारान क्या था फ्यूजिंग ऑफ बल्ब्स मैंने कहा अचानक सा वोल्टेज आ गया तेज लैंप साड़ गया क्यों क्योंकि ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप आया था ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कहने का मतलब 20 वोल्ट आया ज्यादा करंट आई थी वो बात समझ रहे हैं पता लगा तेरे घर पे जो तेरे प्लग है ये 5 एम्पीयर वाला प्लग है कितना है यूज बंक जो ना आसान बोर्ड को 15 एम्पीयर सॉकेट क्या आसान 15 एम्पीयर तो समझ रहे अगर 15 एम्पीयर से ज्यादा करंट उसमें आई अप्लायंस तेरा सामने लगा होगा मुबारक तो आपके घर में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा वो इस तरह से होना चाहिए कि 15 एम्पीयर से ज्यादा करंट किसी भी सॉकेट में नहीं आनी चाहिए आपका डिवाइस जो आप घर पे लगाते हैं बेटा वो होता है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लेकिन उससे पहले जमाने में बेटा होता क्या था एक बॉक्स हुआ करता था उस बॉक्स में शायद किसी ने पुराने मकान में मत देखा होगा कुछ इस तरह से सॉकेट्स बने होते थे वो कांच का होता था कांच शीशे थी भाई सुझना लो सिरेमिक जो ना ये होता है कप कप चाय का कप वो किसका बना होता है सुना उसी का वो बना होता था उसमें क्या होता था एक पटे से चोर एक दो पिन चार हर किसी कमरे का एक एक वो चॉकलेट जैसा बार होता था जिस कमरे में कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ होता था वो उसका जल जाता था पर उसमें नो वन होते लगा होने से पता नहीं ठीक है या अगर ये नहीं आपने देखा तो ये तो देखा होगा आपने देखा होगा यहाँ पे जो फ्यूज वुड़ी होंगे पता क्यों है कि ये अनु नहीं सर क्योंकि जो इसकी वायर है अंदर से बेटा ये खराब हो गई थी जल गई होती है समझना बात क्या है फॉर एग्जाम्पल इधर घर है हाउस में कैसे आपको पता होनी चाहिए कि सीरीज में करंट रहती है सेम चारों साल कितना आपके घर में मैक्सिमम करंट जो चल सकती है जो एंटर हो सकती है क्योंकि घर में जितने भी सॉकेट्स है बाकी सब चीजें बेटा वो पैरेलल्स में तो करंट जब यहां पहुंचती है उसके बाद हर एक कमरे में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इधर से अलग जाएगी इस वाले कमरे में अलग जाएगी इस वाले कमरे में अलग जाएगी और हर किसी कमरे में अलग अलग जाएगी लेकिन बेटा अगर यहां पर ही करंट ज्यादा आ गई ये वाली करंट
desene distribution etibar ziyade distribution kamramız. Deli jab heavy current aa gayi ghar pe to wo wali cheez jisme se wo current chale wo jal jayegi na. To aap kya karte hain, to connect the fuse. Connector. A fuse wire is always connected in series. Why? Because beta jab is fuse wire ko istemal kiya jayega for heavy currents. For ye fuse wire design ki gayi hoti for some value of the safe current. अगर इससे ज्यादा आ गई तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा, और जिस ब्रांच में ज्यादा चल गई अगर वहां से कोई अप्लायंस होगा वो चल जाएगा. बात समझ रहा है? तो हम फ्यूज वायर लाते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक फ्यूज वायर लाया जिसमें मैक्सिमम करंट जो चल सकता है दैट इज ओनली 40 एम्पीयर. कितना? जब 41 एम्पीयर ऑफ करंट आएगा फ्यूज पहले ही जल जाता है. क्यों जल जाता है? याद रखो, द रीजन फॉर दैट इज बेटा द रेजिस्टिविटी ऑफ द फ्यूज वायर्स इज लो बट देयर मेल्टिंग पॉइंट इज बेटा वेरी हाई. सॉरी, उल्टा हो गया. रेजिस्टिविटी इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट लो. रेजिस्टिविटी क्या है? हाई. मगर इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है मुझे बताया? जब इनकी रेजिस्टिविटी हाई होगी रेजिस्टेंस तो ऊपर हाई. जब इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ जूल्स एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर्ड आर टी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम. ये जल जाएगा ना. बात समझ रहा है कि नहीं? तो जब ये जल जाएगा सीरीज में ये रास्ता ही काट गया, ब्रिज टूट गया, करंट आगे जाएगी इससे तेरे मक्का को बचा है ना. सो दिस इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्किट ब्रेकर. आजकल फ्यूज वायर्स इस्तेमाल नहीं होती घर पे, आजकल ये सॉकेट्स इस्तेमाल नहीं होते, आजकल से एमसीबीज इस्तेमाल कर रहे. क्या इस वजह क्या? यू सी सर्किट ब्रेकर वाज योर 10000 पर उसमें मैं 9000 हम का चुके थी गाइस 10000 रुपए हर घर को काट. और महंगे तो होते सस्ते नहीं होते. तो आजकल बेटा आप मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं. दे डिटेक्ट अ शॉर्ट, दे डिटेक्ट हैवी करंट्स, दे डिटेक्ट लोड, दे ट्रिगर डाउन ट्रिपल चार्ज. बात समझ रहे हैं? यही चीज वो काम यही करता. क्लियर? अच्छा, गाउड आर ओसक नफर मालस मज लगो लेटेस्ट है लेटेस्ट ट्रांसफार्मर जिसमें ट्रिप होता है. तायत क्या काम है तुम्हें चला में वहां ट्रिप? अगर लोड ज्यादा इस मालस में ट्रिप है स्पॉन ओ भाई आप पावर करो काम सब इस दिवस हम करकना तुला है जनाब हीटर का यू बांध पावर छिना सर कावड़ा रिलीज सो ट्रांसफार्मर लगो हमारी लेन में भी है मस्जिद के साथ ताकि ट्रिप वो फुटमुट वो अब काम नहीं करता. अब पुराना ट्रांसफार्मर वहां पर वापस चल रहा है. लेकिन था कौन सा? एक बड़ा ट्रांसफार्मर था, एक बड़ा ट्रांसफार्मर था उसमें इतना बड़ा ट्रिप था कि ट्रिप जो है और बहुत ठीक है. कुछ दलील क्या है? जब ये ट्रिप बिजली बाबू ने ऊपर किया था योशन देवी से की इसके खोलो खोल पावर श्रम आवास पावर ये महल ओस ते एक टाइम सवर भी चला के मिल ये सवर भी हीटर लगो लोड क्या है अचानक बोलो लोड ज्यादा ये ट्रिपल तो पता खुलाया ये कुछ आजाब हो तेरे क्या कर पाऊँ बा नो नो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहो मगर तेमी भी इस दौरान नफर आते हैं जो तो मुश्ताक से दौरान तेरे तो भी आता है ऐसी ट्रिप बोलते हैं सुद्राव ने बस टेम कोड ड्रॉप वापस बोलो नहीं और ये जो काला सुधार वो पे उस पे तीन बार इसमें कावड़ा रहा मैं यही किया सुबह से पिछु की वान खावन ट्रिप मेरा वापस एम शिवना बे मिस या आधा उसी बे स्पेनिया बिचार सोर लाइट गो ये ट्रिप खाली मगर त्रेम लाइट थी आना मैं पसर मुझे सोर लाइट का एम क्या कोर आज अच्छे मिस कार था ना लकड़ी उठ कार था एम एन डूमर हट लग बस लग एम था सो एम इस ये के लग बमा मिस ट्रिप अता माल बोट मगर ट्रिप चुप शा आज क्या लग ये तू ही फिक्र और बात समझ गया कि नहीं? ये ट्रिप का काम ही था नीचे उधर ना वो तेरे को नोटिस करा रहा था कि भाई लोड है मत चढ़ा लो टेंथ होते में ये इस फॉर लगे लेवल
یہ ٹرپے چھ بون وسان محل پھوٹ ہوبر پاور سچ مگر چلان پتہ تو کہ تہ شو گن ری ٹرانسفارم ٹرانسفارم کو کہتا ہے کہ اس کی تون کر مکان ہوتا ہے تو یہ سو بودا وانا ان تو ہی بنی مشاق سر سنا اب سمجھ اب دیکھا when you are talking about these fuse wires they always are designed for a safe current all the currents above the safe current they'll break up why because their resistivity is high their melting point is low and because of the Joule's law heating effect will be reduced and they will burn out fine so beta the safe current which flows through your wires through your fuse wire it is directly proportional beta to the radius raised by 3/2 there is the safe current which flows through the fuse wire matlab aapko zyada safe current chahiye matlab aapko 60 ampere wali chahiye to radius bhi kya hoga zyada patla fuse wire hoga uski usme se current bhi kya chalegi kam to aapne dekha hoga beta yahan par jo extensions hote hain ki usme 10 ampere wala fuse 10 ampere se zyada current aagi to jal jayega aapka extension pura bach hi jata hai aur jitne appliances honge wo bach jayenge theek hai aapke inhein मिक्सर्स वगैरह जो करते हैं उनमें भी फ्यूज लगा होता है 5 एम्पीयर 8 एम्पीयर वाला ठीक है इन्वर्टर्स लगा 15 एम्पीयर फ्यूज टाइम अलाउ शुड था तो इसको जो इन्वर्टर पूरे मकान को होता था खुद 15 एम्पीयर का फ्यूज लगा होता है बात समझा कहां ना बच्चू सोन 15 एम्पीयर ना पापा इन एक्शन अवेलेबल 12 पल्स एम्पीयर और उसमें हल के आना के आज चलाओ तो द टाइम चली तो टाइम एमएस 15 बोन बोन आइस करंट ये तो एमएस शुरू आ गए अचानक और तब तो दैट्स इन्वर्टर تم نو تے تمس بگری میں کچھ تاو ون سن 30000 روپے نقصا سدی کا تھا 15 ایمپیر اپ کو فیوز لانا تھا اپ نے 25 ایمپیر لایا وہ 25 والے کو بھی الاؤ کرے گا نا سمجھتا ہے جی مگر ان دائس کو سینو وٹ تو 30000 کو بچانے کے لیے 15 روپے پہلے خرچ کیا تھا یہ اس میں کروں گا گاڑی کو بچانے کے لیے 15000 بھرنے تھے انشورنس ان لیے کو 35 لاکھ तो मतलब सोच हालत तो जैसे समझ रहा सेफ वैल्यू सो फ्यूज वायर यूज टू यू शुड बलिदान दिवा पा तो आया खुदा से ये बस ये खुद खुशी कर इट इज द लाइसोसोम ऑफ होम सुसाइडल वायर ये खुद सुसाइड करता है लेकिन तेरे मकान को बचाता है ठीक है तो बेटा दिस थिंग द सेफ करंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस रेस पर 3/2 इट इज बेटा कॉल्ड एज द फ्यूज लॉ कैश तब मैं दिखा रहा हूं इसकी डेरिवेशन दे ये हो गया सारा ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल उसमें कनेक्ट करा तो बारे स्टोरी दूं फ्यूजर के शाइन में क्या है इन द प्रॉब्लम हां ठीक है समझ गया एग्जाम्पल यू गॉट अ फ्यूज वायर जिसका लेंथ बेटा एल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा ए है जिसका रेडियस आर है ठीक है एंड फर्ज करो यार इसमें करंट चल रही आ रही चलिए ऑब्वियस सी बात है बेटा जब करंट किसी वायर में चलती है तो ऑब्वियस सी बात है हीट प्रोड्यूस होता है रिमेंबर इन केस ऑफ फ्यूज वायर द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड is actually lost by radiation from the surface of the fuse wire okay jitna bhi heat produce karega ye due to cone's law joule's law heat is produced so heat jo hai so gets lost by which mechanism shabash radiation chadi from what free surface kahan se baat samajh rahe hain in the form radiation you guys garam heat will be lost from the surface theek hai na radiation na kali radiation jo heat create hoga heat loss bhi hoga such that ye apne liye heat koi maintain nahi karega to yaar mujhe bata we are seeing that practically we have observed that beta jo heat produced hai it is directly proportional to the time for which
you are using your fuse, or for the time for which the current is flowing through the fuse. At the same time, beta, jo heat produced hai, ya heat jo lost hai, the heat lost from the surface, directly proportional to time, it is directly also beta proportional to the surface area of the fuse wire. Kisko? Surface. Chaji, if I combine the two, considering heat concept, H is directly proportional to area into time. है कि नहीं? मगर कौन सा एरिया? शाबाश, सरफेस एरिया का वैल्यू कोई बताएगा मुझे? क्या सम कॉन्स्टेंट टाइम्स सरफेस एरिया, इट इज द सरफेस फ्रॉम विच द हीट इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन एंड द टाइम फॉर विच योर करंट इज फ्लोइंग. ठीक है, तो बताओ यार एरिया कितना है? सरफेस एरिया क्या है? करोड़ सरफेस एरिया यार. हीट कहां से लॉस हो रहा है? करोड़ सरफेस एरिया. सो एरिया के बदले मैं लिख सकता हूँ 2πr, मगर एच के बदले एल, बिकॉज लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर इज एल. ठीक है, इनटू टी, which implies beta, what is heat as per Joule's law? I squared. Shabash, it is I squared R T. This is resistance. What is this? Two by R L T. तो फिर T T T के साथ cancel. Which implies beta? आप देखो ना पहले. तुम मुझे पढ़ाने दो ये नहीं. I square. Into resistance of the fuse wire. Resistance का है बराबर rho L by A. Rho L by A is equal to K 2 pi R to L. ये L को M से L से cancel, which implies beta I squared rho is equal to K A 2 pi to, which implies beta I is equal to K by rho. ये देख area. What is the cross sectional area of the fuse wire? Pi r square. Na? Into 2 pi r. Ye mushkil hai. Iska square rakhte hain aise. Ab dekhiye acche se samajh beta. I square is equal to, yahan se dekh, k constant hai. Pi bhi kya hai? Constant. 2 pi r square. Bechuro, ye sara constant hai na. Lekin r ko kya aa jayega? Ye sara kya hai? Effectively, beta, can I say I squared is directly proportional to R cube, which implies beta the safe current flowing through the fuse wire. This is the other way to problem. It is directly proportional to R raised by 3 by. This is the fuse wire. Picture. Empathy to your graph of cut. Point you quick. The time of melting. कितने टाइम के बाद ही मेल्ट? अच्छा, आपको क्या लगता है टाइम ज्यादा होना चाहिए मेल्टिंग का कि काम कम होना चाहिए? ना दबान, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्क्वायर. द टाइम ऑफ मेल्टिंग, द टाइम ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया का स्क्वायर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ. लेंथ पे डिपेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सरफेस एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया. बात समझ रहा है? सो बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस पर 4. बात समझ रहा है? एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ. लेंथ पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, द टाइम फॉर मेल्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. जितना ज्यादा रेडियस, लेकिन जब रेडियस ज्यादा तो सेफ करंट भी ज्यादा होगी ना, वो मेल्ट नहीं होगा. बात समझ रहा है? तो आप चाहते हैं आपका रेडियस कम हो, क्योंकि टाइम ऑफ मेल्टिंग को बड़ा जबरदस्त रिलेशन रेस्ट फॉर 4 रेडियस, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ. लंबा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फ्यूज वायर्स. गॉट क्लियर फ्यू? एमसीपीज का कांसेप्ट समझ आ गया कैसे काम करते हैं? शॉर्ट छुक सा कमरस में, ट्रिप छुक सा तेमी कमर को, जैसे तक सुचि और बचाव ना तक रे अलाउ कर रहा जो मैंने अप्लायंस के साथ खत्म. ठीक है, हमेशा एमसीपीज थ्रोई जो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट फ्यूज वायर स्पॉन पेंच में आने के आने आने के आने. चलिए तो बेटा, आई स्टॉप यू.
बस हम पर भाग।